Audio Jungle. झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबर, अब गाय के गोबर से चीन को सबक सिखाने की तैयारी, भारत की है ऐसी जबरदस्त प्लानिंग। चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत अब दिवाली की लाइट बनाने वाली चीनी कंपनियों को मात देने की तैयारी में है। राष्ट्र कामधेनु आयोग चीनी लाइट्स का इस्तेमाल कम करने के लिए गाय के गोबर से दिए बना रही है और दिवाली तक बाजार में गोबर से बने 33 करोड़ पर्यावरण अनुकूल दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथिरिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि गाय के गोबर से बनी चिप कम करती है फोन से निकलने वाला रेडिएशन को। भारत में नए साल की शुरुआत तक आ सकती है कोविड-19 की वैक्सीन, आज की ये बड़ी खबर है। हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से खबर दी जा रही है कि बहुत हद तक संभव है कि अगले साल की शुरुआत तक भारत में कोविड-19 की वैक्सीन आ जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में हमारे पास वैक्सीन होगी और हो सकता है कि यह एक से अधिक माध्यम से प्राप्त हो। हमारे विशेषज्ञ देश में वैक्सीन के वितरण को रोल आउट करने की योजना पर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 71,75,881 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 8,38,729 है, जबकि 62,27,296 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,09,856 पर पहुंच गई है। वहीं पर झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 93,035 है, जबकि ठीक हुए हैं 84,210 और कुल मौत हुई है 830। आपको बता देता हूं कि आज नए मरीज कहां-कहां से कितने मिले। राज्य में पिछले 24 घंटों में 510 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। इसमें रांची से 199, बोकारो से 10, चतरा से 3, देवघर से 7, धनबाद से 20, पूर्वी सिंहभूम से 80, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 11, गोड्डा से 12, गुमला से 14, हजारीबाग से 34, जामताड़ा से 11, खूंटी से 6, कोडरमा से 14, लातेहार से 4, लोहरदगा से 6, पलामू से 8, रामगढ़ से 17, साहिबगंज से 6, सरायकेला से 15, सिमडेगा से 13 और पश्चिमी सिंहभूम से 15 मरीज शामिल हैं। राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 93,035 हो गई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या घटकर 7776 रह गई। सोमवार को राज्य में 11 लोगों की मौत भी हो गई। इसमें रांची जमशेदपुर से 3-3, रामगढ़ पलामू गिरिडीह बोकारो चतरा से 1-1 शामिल हैं। पांचवी की छात्रा से 5 लड़कों ने गैंगरेप किया, रात भर जंगल में भटकती रही पीड़िता। भाई को पता चला तो 2 आरोपियों पर हमला कर हाथ पैर काटने की कोशिश की। झारखंड के गुमला में 5वीं क्लास की बच्ची के साथ 5 लड़कों ने गैंगरेप किया। रात भर वृद्ध जंगल में भटकती रही, आरोपी बच्ची को घर से अगवा करके ले गए। घटना शनिवार रात की है, रविवार को मामले को दबाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित के भाई ने 2 आरोपियों पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों आरोपियों के हाथ पैर काटने की कोशिश की। दोनों घायल आरोपी जब अस्पताल में भर्ती हुए तब वारदात का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र के कारण झारखंड में बारिश की संभावना जारी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा से सटे झारखंड राज्य में बारिश की संभावना बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चिड़िया की खोज की जो आधी नर है और आधी मादा। इनमें नर जैसे बड़े बड़े पंख हैं और दाहिने हिस्से में मादा जैसे अंडाशय हैं। इनका नाम रोज ब्रेस्टेड ग्रूज बिक्स है। इसके एक हिस्से में नर चिड़िया जैसे काले और बड़े पंख हैं, वहीं दूसरे मादा वाले हिस्से में ब्राउन और येलो पंख है। इसके चेस्ट पर कोई स्पॉट नहीं है, यह मादा चिड़िया का लक्षण होता है। ऐसा चिड़िया कब जन्म लेता है,
रिसर्च के मुताबिक ऐसी चिड़िया का जन्म तब होता है जब नर के दो स्पर्म मादा के ऐसे अंडे से मिलते हैं जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रूण में नर और मादा दोनों का क्रोमोसोम आ जाता है। ऐसा चिड़िया में कम ही होता है। 64 साल पहले अमेरिका के पाउडर मिल एविएशन रिसर्च सेंटर में ऐसा मामला सामने आया था। रिसर्च टीम में शामिल एनी लिंडेंस कहती है, यह मेरी जीवन का बेहद अद्भुत अनुभव रहा। चिड़ियाओं की जनसंख्या की गणना करने के दौरान मैं ये हमें मिली है। दुमका विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी के तौर पर भाजपा नेता लुइस मरांडी ने मंगलवार को एक सेट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। लुइस के नामांकन के दौरान भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा अन्य नेता और जदयू, लोजपा और आजसू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि 2019 में दुमका विधानसभा चुनाव में लुइस मरांडी को हेमंत सोरेन ने 13,188 वोट के अंतर से हरा दिया था। हेमंत बरेस से भी चुनाव लड़े थे और जीते थे। दो जगहों से जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट छोड़ दी थी, जिसके चलते यहां उपचुनाव हो रहे हैं। 3 नवंबर को यहां वोटिंग होगी जबकि 10 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। नतीजे भी इस दिन घोषित होंगे। इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।